हाँ जी, नीनू में थे आप? आप नीनू में थे? चलो घूमी चलेंगे, चलो 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 आ जाओ। रोते नहीं है सुबह? कालू इधर, भोलू। भोलू कहाँ है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो पलटन आ गई है हमारी घूमी घूमी करने, और मौसम थोड़ा अच्छा ही है क्योंकि कल इतनी बारिश हो गई, तो एक दो दिन मौसम थोड़ा ठीक रहता है, जो कि हमारे नाबू के लिए बहुत अच्छा है। गोलू कितना तेज है, कालू पानी के पास ले आया, खुद नहीं जाएगा। गोलू आज तुझे भी समझदारी दिखानी है, समझदारी गई पानी में। लो जी लो। तो ये भाई आया था कल घर पे, हम लोगों ने बुलाया था के लिए। आप लोगों ने देखा कि होगा रात को लाइव में, लेकिन सुबह उठ के भाई बोल रहा है कि मैम मन नहीं लगेगा मेरा अकेले ऐसे। तो मैं जस्ट अभी इस भाई को छोड़ने आई थी, सुबह सुबह उठ के बोला कि मैम मन नहीं लगेगा, अकेला हूँ ये वो। चलो जो भी है, जो भी उसका एक्सक्यूज रहा, तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, किसी को फोर्स नहीं कर सकते। और मैंने कल ही बोला था कि कुत्तों के साथ में रहना इतना भी ईजी नहीं है। ये देखो पलटन आ गई रात वाली। हाँ जी, मैं तो सुबह सुबह बेटा काम से आई थी। अभी देखो डॉग्स के साथ में रहना इतना भी इजी नहीं है। कोई बात नहीं, एक दिन हमें ऐसा बंदा मिल ही जाएगा जो इनके लिए बना होगा, जो हमारे लिए बना होगा। हाँ जी, हेलो सर, ओरी ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब गाड़ी के थार के ऊपर ही हो रहा है। तेरी सुबह की ओरी नीचे कह रहा मैं नहीं आऊंगा, सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। रूम लिया शो देखेंगे, अरे बैठो तू भी देख, एडवेंचर देखेंगे। ए ए ए ए ए ए ए ए देखा। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। और ये कह रहा सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा विस्की और नाबू। हाँ बेटी, आपको ग्रास में इसलिए बैठाया है क्योंकि डॉक्टर ने बोला है आपको, किसको थोड़ी सी स्ट्रगल करने दो, वरना ये एसी में ऐसी लेट लेट के। डॉक्टर ने बोला है आपको स्ट्रगल करनी है, चलो हाँ ट्राई करो। उसको देखो। हाँ जी ओरी सर, सर दो तीन घर और दिख रहे, अच्छा लग रहा है। ये देखो यहाँ पे बटरिंग चल रही है। रोहन कल से कोशिश कर रहे हैं, कल से ये अपने आप को ना टच नहीं करने देता, और मुझे तो अभी तक करने ही नहीं दिया। रोहन इतना कर भी पा रहे हैं, लेकिन ये अपने आप को गोदी नहीं उठाने देगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरे तो पकड़ लिया था कल इसने हाथ। नहीं रोहन, नहीं रोहन, मुंह में देख रही हूँ ना उसका। रोहन वो दांत, रोहन नहीं, रोहन नहीं, रोहन प्लीज यार कैसी बातें कर रहे हो? अरे तुम बैक साइड से देख रहे हो, मैं फ्रंट साइड से देख रही हूँ। उसने जब मेरे से कल हाथ पकड़ा ना, मेरा सारा कॉन्फिडेंस चला गया। प्लीज गुर, नहीं कोई फायदा नहीं है, जब वो भी डिस्टर्ब हो जाए क्या फायदा। इसकी पूंछ सीधी की नहीं रह सकती है, क्योंकि कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती। हमारा कुत्ता नहीं है, हमारी किसलिए सीधी है। अभी पता है क्या हुआ, रोहन सोच रहे हैं कि इसको ना खुजली कर ले, मेरी जान तक गई थी, लेकिन ये टच नहीं करने देता बिल्कुल भी। तो इसकी ना शक्ल ऐसे हो जाती है कि ए क्या कर रहे हैं मेरे साथ। मुझे लगा कि गाड़ी या स्कूटी ले जाने से बेटर है कि मैं साइकिल यूज किया करूं, मेरा थोड़ा सा कार्डियो भी हो जाएगा। ये देखो मैं अंदर जस्ट काम कर रही थी, मेरे को आवाज़ आई एकदम बारिश की। ये कवर भी भीग गया, काफ़ी सामान भीग गया, मन पीछे कपड़े पड़े हुए थे वो भीग गए, कितनी तेज़ बारिश है। लेकिन ये अच्छा है कि मौसम अच्छा हो रहा है। अब रुक जा और ही रुक जा, ये रुक गई बारिश, इतनी सी देर के लिए आई लेकिन आई बहुत जोर। बात सुनो, बात सुनो, जनता जानना चाहती है कि ओरियो आपका मन लगा रहा है, ओरियो के साथ मन लग रहा है आपका, ओरियो आपको प्यार कर रहा है ज़्यादा, आपको परेशान कर रहा है, आप तो क्यूट बच्चे हो यार, लेकिन सच में बहुत प्यारा बच्चा है ये, बहुत, मतलब जिसे कहते हैं ना बहुत। ना वो कनेक्शन है ना,
ना आपको देख रहे हैं मम्मी ये क्या पागल पकड़ रखा है यार तुमने, ये क्या क्या करता रहता है। एक्चुअली नाबू ना हमारा बड़ा बच्चा है ना, एडल्ट हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, तो उसे ये सब ऐसा लगता है यार क्या बदतमीजी है ये। वर्कआउट हो गया अच्छे से और आज थोड़ी ना हैवी एक्सरसाइज कर ली। क्योंकि जब भी मैं, मेरे को ऐसा होता है ना कि मैं गुस्से में हूँ या मेरे को लगता है कि मैं परेशान हूँ, तो मेरे को एक ही सॉल्यूशन लगता है, एक मेरा हैवी वर्कआउट। मतलब जिस दिन भी माइंड में मेरे को चल रहा होता है ना, तो मैं सारा का सारा गुस्सा या सारा का सारा जो भी अंदर चल रहा होता है वो मैं अपने वर्कआउट में निकालता हूँ, और आज मैंने वही किया है। बहुत अच्छी और हैवी एक्सरसाइज की आज मैंने, और मेरे को अगले दिन जो होने वाला है ना वो आप सोच नहीं सकते, मतलब मेरे को पेन स्टार्ट हो जाएगा। और कहते हैं ना जिम में नो पेन और नो गेन, तो ये सच है, पूरी रात आज सोया नहीं जाएगा। तो जिम से मैं निकल गया हूँ, लेकिन बहुत दिन हो गए बियर्ड सेट कराए हुए, मैं जा रहा हूँ सैलून अपनी बियर्ड सेट करा लेता हूँ। रहना कि मैं इसके साथ साथ थोड़ा ये भी करा लेता हूँ है ना, और भाई बहुत दिन बाद आया है, भाई को मिस करते करते, मतलब मैं सोच रहा था कि पता नहीं भाई मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन भाई मिल गए। फाइनली ओरियो सोया है, और आप सबको मैं बता दूँ, जिन लोगों को पता है वो समझ गए होंगे, जिस पोस्चर में ओरियो सो रहा है ना, तो इसका मतलब होता है कि वो जो भी पेट है आपके घर में बहुत रिलैक्स फील कर रहा है, बहुत कंफर्ट फील कर रहा है, उसने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। तो ये इसलिए सोते हैं ऐसे, जब भी चारों पैर बच्चे के ऊपर हों तो समझना वो रिलैक्स है, वो अपने वो आपके घर को अपना घर मान चुके हैं। हैं ओरियो आपको, आप अले उधर जाऊँगा, इधर जाके छोऊँगा, हाँ देखो। तब ये रिलैक्स हो गया, कंफर्ट हो गया पूरा। पहले दिन तो इसने बहुत डिसकंफर्ट रहा, अपने पापा को ही ढूंढता रहा हर जगह पे। और ये मेरी गुंडी, और ये मेरी गुंडी की जीभ, अले 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 मेरी गुंडी भी उठ गई रे, मेरी गुंडी भी उठ गई। ओए कहाँ जाएगा तू, कहाँ जाएगा अब तू, कहाँ जाएगा? उसे सोने देना बाबू, छोटा बच्चा है, उससे क्यों लग के सोना है तुझे, वो कितना छोटा बच्चा है। तो बन गया नोना बेबी, चलते हैं घर। भाई वाह गाइस, सुंदर लग रहा हूँ, नोना नोना बेबी सा लग रहा हूँ। ऑडियो दिख रहा है कर्टन के नीचे से निकल के आया, जस्ट रोहन आए ना तो इसे आहट हुई आने की, और विस्की यहाँ पे लेटी हुई, और विस्की अब चिढ़ेगी, देखो अब तुम प्यार करोगे जब नवाब को रोगे। अरे दोनों में से कोई तो भाव दे दो। कोई नहीं देंगे हम, कोई नहीं देंगे। ओ ना बोलियो ना, कह रहा मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं, कह रहा मैं अभी बम दे रहा हूं, मैं भी छोड़ा दे रहा हूं। हाय गुड्डू, हां ये तो सबसे पहले रहेगी मैडम, ये तो नवाब से आगे हो गई। अब तो कोई घर में भी आता है वो नवाब को प्यार। रोहन क्यों छेड़ रहे हो यार, पर तुम्हें मिस कर रहा था जब तुम गए जिम, तो यहां दराज बैठ के रोया 5-10 मिनट। आज दिन की दूसरी बारिश है, और अच्छी खासी तेज बारिश हुई है, पहले भी बहुत अच्छी बारिश हुई है। कल जब बारिश हुई ना काफ़ी तेज, तो रात को जब पापा से बात हुई, पापा से गांव वाले पापा से, तो मैंने उनसे पूछा, स्पेशली पूछा कि पापा ये जो बारिश हो रही है तो ये किसानों के लिए अच्छी है या ख़राब है, तो पापा ने बताया कि नहीं ये अच्छी है, ज़रूरत थी इस टाइम पानी की और ठीक हो रही है। तो मैंने पता ऐसा क्यों पूछा, पता चले यहाँ हम शहरों में बैठे हैं, बच्चे खुश हो रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं बारिश को, ये चाय पकौड़े, और घर पे माँ बाप परेशान है, डिप्रेशन में है कि बारिश क्यों हो रही है, फसल खराब हो रही है। तो इसलिए मैंने कल कंफर्म किया कि पापा ये जो बारिश हो रही है ठीक ठाक है। तो शायद देखो तीनों को, इनको ये, इसको देखो, उसको देखो, और उसको देखो, लाडले ये तीनों। ये जो थोड़ी देर पहले मैंने शांति दिखाई थी तो वो भंग हो चुकी है, नाबू तो अभी सेम पोजिशन में, तो वो तूफान आने से पहले वाली जो शांति थी वो थी, वो बस अब कुछ है इसको नीचे घर में कोई भी। भाई आज इंद्रदेव क्या चाहते हैं, ये तीसरी बार बारिश हो रही है आज, मुझे लग रहा है वेदर फोरकास्ट वाला बन जाना चाहिए कि नोएडा में कितनी बार बारिश हुई आज, मतलब क्या क्या सारा दिन यही सब, अच्छी बात भी सीख ले कुछ, और अपने भाई को भोंक रहा है अपने भाई को। ओ हेलो सर, बारिश में क्यों जा रहे हो भीगने, इसलिए बुलाया तुझे अंदर,
सुनते नहीं है ये दोनों ना, जितने बड़े हो रहे उतने बदतमीज होते जा रहे हैं, बिल्कुल ही सुनते मेरी। हाँ अब दुन दुन कर ले। ये देख ये आ गए बापू बेटा, बारिश इंजॉय कर, है ना। सॉरी छोटा पैकेट, अरे ये रे जरा ठीक है। देख लिया मैंने ये क्या देख लिया मैंने झाड़ू रखी है। हाँ देखने जरा छोड़ी कितनी झाड़ू। हाँ जी आपको गाड़ी पे जाना है, आज गया नहीं ना गाड़ी पे, बारिश पड़ने जा रही है। ये प्लानिंग ले रहा हूँ, कैमरा ऑन करना है प्लानिंग में, एक सेकंड लगाता है सिर्फ, एक सेकंड बस मेजरमेंट ले रहा है। अरे ओह इट्स स्माइलिंग, क्या करूँ कि बोर हो रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। हाँ ये बोर नहीं समझ में आ रहा। एक तो सुबह से आपने बारिश नहीं करवा रखी। जस्टिन बीबर का गाना सुनेगा? हाँ गाएगा, सुनेगा नहीं गाएगा। हाँ ये तो गाता है ना, ये सुनता थोड़ी है, ये गाता है। अच्छा मैं बैठी हूँ बाहर और कर रही हूँ बारिश को एंजॉय, क्योंकि आज पूरा दिन हो गया बारिश में। गोलू पूरी पूरी कंपनी दे रहा है मेरे को, और रोहन ने मुझे कुछ बना के दिया, चाय पकौड़े तो नहीं बारिश में, लेकिन हाँ भेलपुरी टाइप सारा कुछ, नींबू मिर्च सब मिला के सब खा रहे हैं हम लोग। गोलू खाएगा क्या? अब जाके बारिश रुकी है इसकी, देखो ना इसकी हालत देखो। कहाँ जा रहे हो आप पार्क में, कितना भौंक रहा है गेट। और ये नाबू जी को देखो ना कहाँ बैठा है गाड़ी के नीचे। चल क्या रहा है ये नाबू, देख रहा है नाबू, पता कैसे देख रहा है, चल क्या रहा है ये भाई, क्या हुआ है तुझे लग रहे हैं। ये कैसी हवा है? ओ भाई कितना गंदा रहा है ये, शिट कितना गंदा भाई, इसे तो साफ भी नहीं कर सकते। ये क्या चल रहा है? बोलो बड़ी बोलो लाउड स्पीकर पे। कैसे टिल्ट कर रहा है? कौन है? और ये कौन है? गेट की तरफ देख रहा है। आ रहा हूँ बेटी बेटी, ओके? मिस हो गए बच्चे। जब ये यहाँ से गया ना तब नहीं रिकॉर्ड हो पाया। चल दिया मेरा गुड्डा ना, इसलिए नाराज है, वो बोल रहा है पापा व्लॉगिंग चैनल मेरा है, सब कुछ मेरा है, मैं ही नहीं दिख रहा मेरे व्लॉग्स में, चिप ओरी ओरी दिख रहा है ना। तो अच्छे ओरी ना छोटा बच्चा है तो ना अच्छे उसको प्यार करना चाहिए। तो भाई मेरी ना आज फिर से जो ओरी के साथ दोस्ती करने वाली कोशिश थी वो नाकाम हो गई, हम आज भी दोस्त नहीं बन पाए बट कल तक बन जाएंगे। तो आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, चैनल को लाइक करना शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और नाबू की तरफ से गुड नाइट। नाबू की प्यारी प्यारी आईज, नाबू और पापा की आईज आर सेम।